नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचल में आपका स्वागत है। जी हाँ, अगर आप अंग्रेजी वाकई में नहीं पढ़ पाते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंग्रेजी अभी, जी हाँ अभी ही आप पढ़ें और अभी अपनी जितनी भी गलतियाँ उन सबको सुधार लें इसी समय। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश कैसे पढ़ें और समझें इस पर पूरा फोकस किया जाएगा, साथ ही वर्ड मीनिंग्स भी होंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि दिन हर एक दिन आता है जाता है चले जाता है, लेकिन इंग्लिश ना तो आप अच्छे से पढ़ पाते हैं ना ही समझ पाते हैं, तो करना क्या होता है। देखिए हर एक दिन जो है अंग्रेजी का अखबार पढ़ना है, उसके लिए अब जाहिर सी बात है कि अब रोज़ से आप न्यूज़पेपर लेना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी आपका बजट बढ़ जाएगा। सिर्फ एक पेपर ले लीजिए, जी हाँ एक पेपर लीजिए, द हिंदू का। और ये हिंदू का पेपर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें पेजेस की संख्या ज़्यादा है, या जो भी आपके पास उपलब्ध है तो बुक स्टॉल से एक पुराना पेपर भी खरीद सकते हैं, कोई भी इंग्लिश पेपर का, और उस पेपर का हर एक लाइन हर एक वर्ड आप अच्छे से पढ़िए, जी हाँ, और जो भी गलतियाँ हों उसे सुधारते हुए। दूसरी बात दोस्तों कि अंग्रेजी किताबें जो है खरीद लीजिए, अंग्रेजी किताबें, खासकर आप उपन्यास ले सकते हैं, मैगजीन खरीद सकते हैं, और दोस्तों क्या कर सकते हैं तो आप कॉमिक बुक भी ले सकते हैं, कॉमिक बुक भी ले सकते हैं। इंग्लिश मूवी देखिए, इंग्लिश मूवी में खासकर इंडियन लैंग्वेज, जो इंडिया की बनी हुई इंग्लिश मूवी आज के दौर के ज़माने के जो OTT पे जो फिल्में आती है उस पर जो आप हिंदी का इंग्लिश करके जो मतलब सबटाइटल्स जो है ऑडियो वाला सबटाइटल्स बदल कर, या YouTube पर भी आप जो मूवी देखते हैं उसको भी आप मतलब नीचे सब जो सबटाइटल्स उसको पढ़ें, और जो बोल रहा है जो बोला जा रहा है उसका इंग्लिश नीचे लिखा रहेगा उसको पढ़कर आप देख सकते हैं। रोज़ न्यूज़ सुनना है, हर एक दिन न्यूज़ सुनिए, 10 मिनट 20 मिनट जो भी आपको लगे सुने, बहुत समय नहीं लगने वाला है, ये दिन भर की गतिविधियां हैं। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, धीमी गति से स्लोली स्लोली पढ़ना है, और प्रत्येक वर्ड मीनिंग या प्रत्येक वर्ड मीनिंग का उच्चारण जो है सही करने की कोशिश करना है, ये नहीं कि एकदम गलत ही बोल दिए, कोशिश करना है सही करने का। और जहां आपको डाउट लगे उसको आप एक सर्कल करके लीजिए या उसे कॉपी पे जो है राइट डाउन कीजिए। दूसरी बात कि हमारे द्वारा बताया गया 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण और वर्णमाला के अंग्रेजी में क्या क्या होता है उसका उच्चारण होता है, उन सबको याद रखिए, अच्छे से याद रखिए, तो क्या होगा कि वर्ड्स का उच्चारण बहुत ही सटीकता से सही सही आप कर पाएंगे, और मन में ये नहीं उठेगा कि ये गलत हो रहा है ये सही हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो है मन में इंग्लिश को लेकर जो है डर है अफवाह है वो बनी रहती है। तो दोस्तों एक और बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऊंची आवाज़ में, जी हाँ ऊंची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालें, जिससे क्या होगा कि आपका पढ़ा हुआ आपके ही दिमाग पर इस तरह से असर करेगा जैसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे, जल्दी सब कुछ याद और दिमाग में वर्ड्स, जी हाँ वर्ड मीनिंग आता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए वर्ड मीनिंग को ले लेते हैं ताकि आपके दिमाग पर आया, और जोर जोर से बोलना है। जैसे ये वर्ड है तो प्रोपिशिएट का अर्थ है संतुष्ट करना, अनुकूल बनाना और मना लेना। प्रोपिशिएट मीन्स होता है संतुष्ट करना, अनुकूल बनाना और मना लेना को बोलते हैं प्रोपिशिएट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों ट्रैमल का अर्थ है विघ्न डालना रुकावट पैदा करना को बोलते हैं ट्रैमल। क्या बोलते हैं? ट्रैमल। शुद्ध उच्चारण है यहाँ पर किया गया है तो आप इसे अच्छे से उच्चारण करना सीख सकते हैं। दूसरा अगला जो वर्ड मीनिंग है स्क्रम्पसियस का अर्थ है उत्तम मज़ेदार आनंददायक। स्क्रम्पसियस वर्ड मीनिंग देखिए बहुत अच्छे से याद करना होगा, इसको अच्छे से समझना होगा, इसका इस्तेमाल बोलते समय लिखते समय करना होगा, तभी ये लंबे समय तक बना रहेगा आपके दिमाग में। डिस्कर्सिव का अर्थ है असंबद्ध, बेसिलसिला या क्रम रहित है। असंबद्ध, बेसिलसिला या क्रम रहित, यानी जिसका कोई क्रम नहीं होता है, डिसकंटिन्यू वाला जो बात होता है। नेक्स्ट है तो रिवल्जन मीन्स होता है प्रतिकर्षण, खिंचाव, घृणा, आकस्मिक भाव जो है प्रकट, तो आकस्मिक भाव परिवर्तन, जी हाँ आकस्मिक भाव परिवर्तन करना, ये भी वर्ड मीनिंग है, तो अच्छे से याद रखिएगा रिवल्जन का, ठीक है। रिवल्जन मीन्स आकस्मिक भाव परिवर्तन, ये होगा प्राण नहीं परिवर्तन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग जो है यह है ग्राउच। ग्राउच मीन्स होता है शिकायत करना बड़बड़ाना कुढ़ना। ग्राउच
ग्राउच, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज तो क्लाउट, क्लाउट। और क्लाउट मीन्स होता है, क्लाउट का मतलब देखिए आप घूसा है ना, घूसा, घूसा सिर सिर पर हाथ से मारते हैं वह घूसा, ठीक है, क्लाउट है। या मुक्का को भी क्लाउट बोलते हैं और शक्ति को भी बोलेंगे क्लाउट, याद रखिएगा क्लाउट। क्लाउट मीन्स घूसा जो कि सिर पर हाथ से मारा गया घूसा, या मुक्का को कहते हैं या शक्ति को कहते हैं क्लाउट। नेक्स्ट यानी अगला वर्ड मीनिंग है फोमेंट। फोमेंट का अर्थ है, फोमेंट का अर्थ है उकसाना, भड़काना, बुराई को बढ़ावा देना, बुराई बुराई को बढ़ावा देना, ठीक है, तो बुराई को बढ़ावा देना या बढ़ावा देना भी समझिए फोमेंट। फोमेंट नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो वेवर। वेवर मीन्स होता है मन अस्थिर न होना, इधर उधर हिलना, मन अस्थिर न होना, इधर उधर हिलना को बोलते हैं वेवर। देखिए ये ज़्यादा नहीं दोस्तों, 12 वर्ड मीनिंग ही सिर्फ यहाँ पर दिया गया है, और इस 12 वर्ड मीनिंग को आप आपको क्या एक दिन में या दो दिन में याद नहीं कर पाएंगे। देखिए हिंदी आपको तो रोज़ पता ही होता है, इंग्लिश वर्ड्स याद करना है, और इस हिंदी वर्ड में इंग्लिश वर्ड मीनिंग को याद करके आप जिसके बोल और बोलने और लिखने में इसको शामिल कर लें। फिर देखिए मकावरी, मकावरी मकावरी मीन्स होता है भयानक, खौफनाक, विकराल या उग्र को बोलते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है प्रॉपराइटी। प्रॉपराइटी प्रॉपराइटी मीन्स होता है औचित्य, उपयुक्तता, मर्यादा, शिष्टाचार, है ना, औचित्य, उपयुक्तता, उपयुक्तता, मर्यादा, शिष्टाचार, प्रॉपराइटी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज तो ग्रीट। ग्रीट का अर्थ होता है, ग्रीट का अर्थ होता है गिट्टी, कंगरी, चरित्र बल या धैर्य या साहस। क्या वर्ड मीनिंग है ग्रीट। ग्रीट मीन्स गिट्टी, कंकरी, चरित्र बल, धैर्य या साहस को बोलते हैं ग्रीट। ग्रीट तो दोस्तों ये सारे वर्ड मीनिंग अच्छे से याद रखिए, क्योंकि अगर याद करेंगे तभी आगे आप जल्दी जल्दी इंग्लिश क्या देखिए बहुत सारी परीक्षाओं में भी ये पूछे जाते हैं। तो कितने लोग जो है सिर्फ वर्ड मीनिंग के लिए हमारे वीडियो को देखते हैं, लेकिन सभी लोग पूरे इंडिया में मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग जो है इंग्लिश पढ़ नहीं पा रहे हैं, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मेरा ये उद्देश्य है कि भाई सबको मैं इस तरह से बताऊंगी कि इंग्लिश आपके लिए और उनके लिए जो है जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उन सबके लिए इजी हो जाए, और अपने जीवन में इसका यूज वाकई में इस्तेमाल है, कहने के लिए नहीं कि हमारी भाषा ही सब कुछ हो जाएगा या जो भी आपकी भाषा है, हिंदी में सब कुछ नहीं संभव है, क्योंकि हर एक जगह आप जाएँ, चाहे इंटरव्यू जाएँ या मार्केट में घूमें या मूवी देखने जाएँ, कहीं भी जाएँ तो इंग्लिश में लिखा हुआ ही मिलता है, और उसमें ऐसे समझना भी अच्छे से ही आना चाहिए, ताकि आप कभी भी कहीं भी बेवकूफ़ आपको कोई ना बना दे। देखिए इसको पहले आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, और मैं पढ़ूंगा, आप देखेंगे कि आप अगर कुछ गलती आपको कहीं हेजिटेशन, कहीं घबराहट, कहीं भी आप रुक जाते हैं तो यानी वो वर्ड नहीं आ रहा है आपको, और मेरे द्वारा जो पढ़ा जाएगा उससे आप करेक्ट कर लेंगे। तो चलिए अगर आपने पढ़ लिया है वीडियो को पॉज करके तो मैं पढ़ रहा हूँ। हाउ 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 डज, देखिए ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, ये हमारा पार्ट्स वर्ड है, एच के साथ आओ जुड़ा तो हाउ हो गया, एच को ह बोलते हैं तो ह आओ। हाउ डज, ई एच को वैसे भी ज बोलते हैं, डी ओ को ड हो गया डज डज। देखिए आई एन जी को इंग बोलते हैं, समथिंग समथिंग, विकम विकम, ए रिसोर्स, सी ई को बोलते हैं स, वही बात मैं बताऊंगा जो कि मैंने बताया है रिसोर्स। देखिए हिंदी का नाम लिखा हुआ अंग्रेजी में राजू, सिंपल है सभी लोग जानते होंगे। यहाँ देखिए ओ डब्ल्यू था, यहाँ भी ओ डब्ल्यू है, यहाँ भी ओ डब्ल्यू को आओ बोले बोला गया तो एन को ना बोलेंगे, ना में आओ जो आओ जुड़ा तो नाउ हो गया, ना में आओ जुड़ा तो नाउ हो गया हाउ नाउ। अब टी डी को टेड बोलते हैं तो वॉन्टेड वॉन्टेड टू नो। अब यहाँ ओ डब्ल्यू जो है आओ नहीं बल्कि ओ का उच्चारण के रूप में आया ओ, तो यहाँ पर के साइलेंट है, क्या है के साइलेंट है, इनको ना बोलते हैं तो नो। अम्मा अम्मा हिंदी का अंग्रेजी क्या गया, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन, ई एन को एन बोलते हैं ड्रेन हो गया, चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन दैट थिंग्स, विकम विकम, रिसोर्सेज रिसोर्सेज, ओनली देखिए ली है ओनली, वेन इसमें एच जो है साइलेंट है और ई एन को एन बोलते ही है, वेन दे हैव ए वैल्यू वैल्यू इट्स यूज और यूटिलिटी यूटिलिटी गिफ्ट्स
इट वैल्यू ऑल रिसोर्सेस हैव सम वैल्यू सैड अम्मा. वैल्यू मीन्स वर्थ, वर्थ ओ को आ उच्चारण किया गया है. ये भी मैंने बताया कि भोवेल जो होते हैं उसको भोवेल में जो हर एक को चार से या पांच तरह से पढ़ा जाता है. ठीक है, कॉन्सोनेंट में तीन तरह से मैक्सिमम चार तरह से पढ़ते हैं सिर्फ एक वर्ड में. तो ये वर्थ है, वर्थ सम ओ को आ बोलते हैं सम. सम रिसोर्सेस हैव, ये पार्ट है हमारा इको और इक पार्ट है हमारा इक. तो एम के साथ लगा तो मिक हो गया. इकोनॉमिक वैल्यू सम डू नॉट फॉर एग्जाम्पल मेटल्स ए वाई ए बोलते हैं, एम लगा तो मे हो गया. मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू ए ब्यूटी ब्यूटीफुल लैंड स्केप. ए के बाद ई है तो ए का उच्चारण एक रूप में होता है. लैंडस्केप ए वाई को ए बोलते हैं. अगर ए वाई को ए बोल रहे हैं और इसके बगल में एम है, एम को माँ बोलेंगे तो मे हो गया. अगर रहता आर तो रे पे रे पी रहता पे, कई तरह का वर्ड मीनिंग बनता. तो लैंडस्केप में नॉट बट बोथ आर, देखिए यहाँ एम इम्पॉर्टेंट एंड सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. दोस्तों ये था तरीका पढ़ने का. आपकी कितनी गलतियाँ हुई, आप कहाँ कहाँ फंसे, उसका क्या निराकरण यहाँ हो पाया या नहीं, इसको भी कमेंट में लिखिए. नीचे एक वीडियो नीचे जो है लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए. और दोस्तों अब जो है मैं ये बताऊँगा कि कैसे इसका क्या ट्रांसलेट होगा, इसका अनुवाद करने पे कैसे अनुवाद करते हैं या क्या अनुवाद होगा इसको. तो चलिए इसे क्लिक करके मैं अनुवाद करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, ताकि आप समझ सकें कि भाई इंग्लिश को कैसे समझा जा सके. देखिए, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, इसका अर्थ है कि कोई चीज़ संसाधन कैसे बनती है. ठीक है, हाउ डज समथिंग यानी कुछ चीज़ जो है थिंग मीन्स वस्तुएँ होती है या कोई सामान हो गया. तो कुछ सामान जो है, कुछ चीज़ जो है, समथिंग कुछ चीज़, कुछ सामान जो है कैसे एक जो है संसाधन बनती है, एक संसाधन बनती है. हाउ डज समथिंग, देखिए हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. ठीक है, अगला है राजू नाउ वांटेड टू नो. राजू अब जानना चाहता है. ठीक है, राजू जानना चाहता है कि भाई अब कि कोई चीज़ संसाधन कैसे बनती है. अम्मा ने कहा द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. देखिए थिंग्स का मतलब हो गया कोई सामान, कोई चीज़, कोई वस्तु, याद रखिएगा इसको. इसका मतलब है कि अम्मा ने बच्चों से कहा कि चीज़ें जो है, थिंग्स मीन्स बहुत सारी चीज़ें वस्तुएँ जो है, तभी संसाधन बनती है, बिकम अ रिसोर्स बनती हैं जब केवल जब वह उनका कोई मूल्य होता है, वैल्यू होता है. ठीक है, इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. कहा जा रहा है यहाँ पर कि सभी संसाधनों का कुछ ना कुछ जो है वैल्यू होता है. इसका मतलब है जैसे यहाँ से पहले वो कि इसका उपयोग जो है, सॉरी यहाँ पर इट यूज, इसका उपयोग और इसका उपयोगिता इसे एक मूल्य मतलब जो है देती है, एक मूल्य देती है वस्तुओं को. और रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सभी जो संसाधन है उसके कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ क्या मूल्य होता है. सैड अम्मा ने कहा, बहुत ध्यान सुनिएगा. वैल्यू मीन्स होता है वर्थ, वर्थ का मतलब संपत्ति, मूल्य का अर्थ होता है मूल्य. वर्थ मीन्स संपत्ति होता है, मूल्य होता है. वैल्यू मीन्स वैल्यू का मतलब ही मूल्य होता है. वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज कुछ जो है संसाधन हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ संसाधन का जो है आर्थिक वैल्यू है. ठीक है, आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ का नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मेटल जो है एक
जो है आर्थिक मूल्य हो सकता है, मेटल का जो बस जो धातुएं हैं, धातुओं का आर्थिक मूल्य हो सकता है। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, जबकि एक जो है सुंदर परिदृश्य का, ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो अगर बहुत सुंदर दृश्य है, परिदृश्य है, उसका वैल्यू नहीं हो सकता है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन जो है दोनों जो है दोनों लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण है और मानवीय जरूरतों को पूरा करता है और क्या कर संतुष्ट करता है मानवीय जरूरतों को। दोस्तों ये था इसका एक तरीका कि कैसे इसे अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ दिनों के साथ अगर हमारे साथ कम से कम 10 दिन भी बने रहते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे भी इंग्लिश करना है, क्योंकि इसे वर्ड सारे बहुत सारे वर्ड में आपके सामने आ जाते हैं, सेंटेंस आ जाते हैं और ग्रामर बेस्ड सेंटेंस होते हुए चूँकि ये NCERT के बुक से लिया गया है, तो आप क्लास 7 का बुक है, अब स्टार्ट ही हो रहा है दोस्तों रिसोर्स चैप्टर। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो बस एक लाइक तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक करते कर दीजिए और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को सारे बेल आइकन को हिट कीजिए सारे नोटिफिकेशन के साथ, और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।